दोस्तों, BSNL संचार आधार का जो ऐप है उससे आप कैसे कस्टमर का जो नया सिम है उसको आप एक्टिव करेंगे, इस वीडियो में फुल प्रोसेस में आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, ऐप ओपन करने के बाद आपको एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा सिम को, पहले eKYC मोबाइल में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही थोड़ा सा लोड लेगा। लोड होने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन इस तरीके से आएगा। फर्स्ट यहाँ में प्रीपेड और पोस्टपेड का ऑप्शन है, आपको प्रीपेड में ही रखना है। और यहाँ पे टाइप ऑफ सब्सक्राइबर को आपको यहाँ में लोकल में सेलेक्ट रखना है। उसके बाद टाइप ऑफ CAF, यहाँ पे आप देखिए बहुत सारा फंक्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ में सेलेक्ट करना है CAF एंट्री मोबाइल, इसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सेलेक्ट बंडल प्लान, यहाँ में आपको सेलेक्ट करना है नॉन। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद जो मोबाइल नंबर आप एक्टिव करना चाहते हैं, नया मोबाइल नंबर, वो आपको यहाँ में टाइप कर देना है। उसके बाद वैलिडेट में आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस आ जाएगा सामने, आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा नंबर का। उसके बाद आपको यहाँ में सिंपली कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दो चेक बॉक्स में टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ में प्रोसीड का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आप जो भी बायोमेट्रिक मशीन यानी कि जो भी डिवाइस आप यूज़ करेंगे उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। पहले देखिए ऑप्शन यहाँ पे लिखा होगा डिवाइस टाइप। डिवाइस टाइप में आपको यहाँ पे क्लिक करने से ऑप्शन मिलेगा बहुत सारा, जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आपका आधार नंबर टाइप कर देना है। ध्यान रखिएगा जो रीसेलर भाई है जो सिम कार्ड को सेल करते हैं उनका आधार कार्ड नंबर, ठीक है, उसका आधार नंबर यह हमें टाइप कर देना है। और यह हमें कैप्चर में क्लिक करना है। कैप्चर में क्लिक करने के बाद जो सिम बिक्री करते हैं यानी कि आपका फिंगरप्रिंट होगा, ये जब सक्सेसफुल यहाँ पे ले लेगा बायोमेट्रिक, उसके बाद आपको ऑथेंटिकेट में क्लिक कर देना है, हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल दिखा देगा आपको। दिखाने के बाद अब ओके में क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से आपको तीन चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है यानी कि टिक करना है, एक एक करके इसको टिक करके फिर प्रोसीड में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे एक आधार नंबर पूछा जाएगा, फिर एक बायोमेट्रिक पूछा जाएगा। ये आपका जो कस्टमर है सिम ले रहे हैं उसका होगा, ठीक है। यहाँ पे पहले आपका कस्टमर का आधार नंबर टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर में क्लिक करेंगे। कैप्चर में क्लिक करने के बाद कस्टमर का बायोमेट्रिक लेंगे यानी कि उसका फिंगरप्रिंट लेंगे। देखिए यहाँ पे कस्टमर का फिंगरप्रिंट आपको लेना है, ये सक्सेसफुल ले लिया है देखिए फिंगरप्रिंट। उसके बाद ऑथेंटिकेट में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली देखिए ऑथेंटिकेट हो चुका है। अब ओके में क्लिक कर देंगे। कस्टमर का सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा यानी कि आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है और नेक्स्ट का ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो का ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। कस्टमर का फ़ोटो आप ले लेंगे फ़ोन से लेने के बाद यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा। आने के बाद आपको नीचे कुछ फिल करना होगा, आपका एड्रेस वगैरह सब यहाँ में फिल करना होगा। तो जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे चले जाते हैं, कुछ कुछ यहाँ पे फिल रहेगा जो हम लोग पहले फिल करके आ चुके हैं, बस आपको एड्रेस यहाँ में फिल करना होता है। तो हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए एड्रेस जो स्टार जो भी यहाँ पे देखिए प्रेजेंट लोकल एड्रेस या फिर जो भी लिखा है यहाँ पे, उसके बाद एक स्टार होगा, जो भी स्टार लिखा हुआ है वो आपको कंपलसरी फिल करना ही होगा, ठीक है। या फिर आप रेड कलर का एक मार्क देख सकते हैं गोल से, तो ये आपको फिल करना ही पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कर देंगे, जैसे कि आपका हाउस नंबर हो गया तो हाउस नंबर, परमानेंट एड्रेस, लोकेलिटी, जो भी है यहाँ पे आपका आपको बराबर से फिल कर देना है। फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ कुछ फिल रहेगा ऑलरेडी, और बाकी आपको जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट स्टेट वो आपको हमें फिल रहेगा। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे जो डिटेल्स है फिल कर दिया है, आप भी जो डिटेल्स है यहाँ पे कस्टमर का वो फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आप चले जाएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आधार टेलीफोन नंबर आपका, अगर आधार टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके नीचे देखिए सर्विस, जो सर्विस कस्टमर करते हैं वो यहाँ पे
सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ जॉब करते हैं या फिर कुछ करते हैं। आपका जो परमानेंट एड्रेस है यहाँ पे आप टिक कर देंगे तो ऊपर वाला एड्रेस सेम यहाँ फिल हो जाएगा, सबसे बेटर रहेगा इसको आप टिक कर दें। और जो सारा एड्रेस है आप जो फिल किए हैं यहाँ पे सब फिल हो जाएगा, दोबारा आपको फिल करने का ज़रूरत नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों फिर से आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दो तीन ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि कैश जो पेमेंट आप करना चाहते हैं कैश में करना चाहते हैं या फिर जो ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कैश ही सिलेक्ट करेंगे। कैश सिलेक्ट करने के बाद आपको हमें अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना होता है, एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे देंगे, कौन सा कैटेगरी आपका है अर्बन या रूरल वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, और आप पिछला कितना सिम यूज़ कर चुके हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे एक लिख के भी नेक्स्ट कर सकते हैं, एक लिख के आप यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। उसके बाद कौन सा सिम है, कौन सा सिम आप यूज़ किए हैं उसके सामने नंबर 1 डाल के आपको डन में क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है दो, एक है देखिए एजेंट डिक्लेरेशन, एक है सब्सक्राइबर डिक्लेरेशन, एक एक करके आपको टिक कर देना है इसमें। अगर आप अपना बायोमेट्रिक मशीन फ़ोन से रिमूव कर दिए तो दोबारा आपको इसमें प्लग करना पड़ेगा, यानी कि डालना पड़ेगा, फिर ये रेडी टू यूज़ दिखा देगा यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एजेंट डिक्लेरेशन में टिक कर देना है और एग्री में क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको नीचे सब्सक्राइब में उसमें टिक करना है और यहाँ में दोबारा एग्री में क्लिक कर देना है। उसके बाद कैप्चर में क्लिक करना है, जो रिटेलर भाई है जो मतलब जो सेल करते हैं सिम उसका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, कैप्चर में क्लिक करेंगे उसका बायोमेट्रिक डाल देंगे, उसके बाद ओके में क्लिक कर देंगे। ओके में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ में प्रोसीड में आपको क्लिक करना है, नीचे जो रेड कलर का दिखा रहा है आपको ये देखिए इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो सबमिट का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें आपको क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली आपका जो सिम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे FRC भी कर सकते हैं पर वो ज़रूरत इसमें नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।